तो गुड इवनिंग एवरी वन आज एम पी पी एस सी के प्रीलिम्स के हम लोगों के दो सेशन ऑलरेडी हो चुके हैं एम पी जोग्राफी के ऑब्जेक्टिव हम लोग कर चुके हैं और एम पी जोग्रफी के बाद हमने एम पी के हिस्ट्री कल्चर भी कर चुके हैं और आज हम एम पी पॉलिटी और एम पी इकॉनमी जैसे कि आप सभी देख रहे हो कि एक एक घंटे में हम लोग कभी थर्टी फाइव क्वेश्चन भी कर रहे हैं कभी फोर्टी क्वेश्चन भी कर रहे हैं और अगले संडे के बाद ये सीरीज फिर रिपीट होगी फिर हिस्ट्री का क्वेश्चन आएगा और फिर कल्चर के क्वेश्चन आना चालू हो जाएंगे तो जितने इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आज छूटेंगे वो अगली बार सीरीज में आते हुए आपको दिखते मिलेंगे यहाँ पर तो आज हम लोग इसको फिर से स्टार्ट कर रहे हैं और एक और नेक्स्ट टॉपिक है आपके लिए एम पी पॉलिटी एंड एम पी इकॉनमी जिसका वेटेज हर बार हमें प्रिलिम्स में चार से पांच क्वेश्चन यहां से दिख रहा है एक बच्चा इंडियन पॉलिटी ढूंढता रह जाता है कॉपी में और वहां पर आपको दिखता है कि सीधे सीधे कहां से आ जाते हैं एमपी पॉलिटी से पूछ देता है और एमपी पॉलिटी से भी वो किस टाइप के क्वेश्चन पूछ रहा है डिफिकल्ट जो उसका लेवल है वो डिफिकल्ट होते जा रहा है डे बाय डे वो डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है किसका बर्थ कहां हुआ है कौन कहां पर पैदा हुआ है कौन कहां पर डेथ हुई है किसने कौन सी अपनी ऑटोबायोग्राफी लिखी है इस टाइप के तो कोशिश की है इस टाइप के क्वेश्चन को कवर करने की और एमपी इकॉनमी की भी सभी लोग आ गए यहां ऑनलाइन भी आनंद लखन सबको गुड आफ्टरनून चलिए नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं तो ऑल द बेस्ट और इसी के साथ अपन लोग सेशन स्टार्ट कर रहे हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपके पास जो है हाईएस्ट वुमेन लिटरेसी रेट इन मध्य प्रदेश इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिला साक्षरता दर आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट में दिख रही है अब कई लोग सोचेंगे एम पी पॉलिटी और एम पी क्यों क्योंकि इकॉनमी का ही पोर्शन होता है डेमोग्राफी सेंसस तो इसलिए क्वेश्चन यहाँ पे है कि सबसे ज़्यादा वुमेन लिटरेसी रेट आपको मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में मिल रहा है तो जल्दी देखिएगा एक बताइए जल्दी सर अगर आज ऑफलाइन नहीं आ पाए तो नेक्स्ट टाइम आ सकते हैं क्या बिल्कुल नेक्स्ट टाइम भी आ सकते हैं ऑफलाइन ऑप्शन आ रहा है आंसर आ रहा है इंदौर भोपाल जबलपुर सतना बताइए है, है ना कई लोग इसका आंसर इंदौर बोल रहे हैं कई लोग भोपाल बोल रहे हैं कमेंट सेक्शन में लोन वॉरियर ए बोल रहे हैं सुरभि यादव बी कशिश सिंह भोपाल भोपाल मैक्सिमम लोग भोपाल वो कहाँ गए इंदौर वाले अब सब गायब हो गए है ना अब सब भोपाल पे आ गए लाइन से बस यही था इसमें ट्रिक और ये क्वेश्चन देने का मोटिव ये था कि आप थोड़ा समझिए कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा जो वुमेन लिटरेसी रेट है वो आपको भोपाल में मिलती है और जो आपका जबलपुर है वहाँ पे हाईएस्ट लिटरेसी रेट है और जो मेल लिटरेसी रेट है वो आपको इंदौर में मिलता है ये है यहाँ से ठीक रहेगी इतनी बातें यार मेधांशी बोल रही है बी यादव बी सभी लोगों का आंसर भी आ रहा है तो याद रखिएगा मध्य प्रदेश में लिटरेसी रेट हम लोग जब देखते हैं तो मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट हमको कहाँ दिखता है 69.3 परसेंट के आसपास आपको मध्य प्रदेश का लिटरेसी रेट दिखता है जबलपुर में क्या है ओवरऑल लिटरेसी रेट सबसे हाई है जब आप यहाँ से बात करोगे इंदौर में तो इंदौर में जो मेल लिटरेसी रेट है वो सबसे हाई है और भोपाल में आपका फीमेल लिटरेसी रेट सबसे हाई है जो हमने यहाँ पर भी कवर करने की कोशिश की है द वुमेन लिटरेसी रेट और भोपाल इज सेवेंटी फिर नेक्स्ट जा रहे हैं विस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश हैज़ द लीस्ट अर्बनाइजेशन रेट मध्य प्रदेश का वह कौन सा डिस्ट्रिक्ट जहाँ पे अर्बनाइजेशन मतलब शहरीकरण सबसे कम है विस्थ डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी पी हैज़ द लीस्ट अर्बनाइजेशन रेट एंड द ऑप्शन आर अलीराजपुर मंडला सीधी एंड डिंडोरी ये आपके पास ऑप्शन है जल्दी बताइए प्रहलाद सिंह यादव बोल रहे हैं बी प्रीति यस लखन यादव बी ज्योति कन्नौज डी बताइए आंसर क्या होगा डी ए मोहिनी पाटिल डी आप लोग बोल रहे हो ए कई बोल रहा है डी है ना अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरीकरण की अभी सबसे ज्यादा शहरीकरण कहां है अगर मैं आपको एक... यहां पर एक मेरे तरफ से आप गैसिंग दे दूं तो वो मध्य प्रदेश का वो डिस्ट्रिक्ट है जिसकी पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे कम है 94 है पॉपुलेशन डेंसिटी मतलब आंसर है इसका क्या जल्दी बता दीजिए इसका आंसर है डी डिंडोरी मध्य प्रदेश के डिंडोरी में सबसे कम अर्बनाइजेशन का रेट है मतलब ये मान लीजिए मध्य प्रदेश के डिंडोरी में मात्र चार परसेंट के आसपास जो लोग हैं वो शहरी इलाकों में रहते हैं बाकी जो आपकी नाइन्टी के आसपास पॉपुलेशन है डिंडोरी में वो कहाँ पर रहती है वो आपके ग्रामीण इलाकों में रहती है मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन आपको इंदौर भोपाल में दिखता है तो जैसे आप देख रहे हो कि इसका आंसर क्या था डिंडोरी दर्गेनाइजेशन परसेंट डिंडोरी इज ओनली फोर पॉइंट सिक्स परसेंट बाकी जितने लोग इसका मतलब क्या होता है ऑर्गेनाइजेशन का कि शहरी इलाकों में नगर पालिका नगर निगम के अंतर्गत कितनी पॉपुलेशन आपकी आ रही है उसको हम लोग डी बोलते हैं तो सभी लोगों के यहाँ कमेंट में भी आंसर इसका डी आ रहा है मेधावी यादव भी डी बता रही है इसका आंसर ठीक है मंडीदीप इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पार्क इज सिचुएटेड इन दिस डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी जल्दी जल्दी बताइए एम पी का पेटेंट क्वेश्चन है ये है ना जल्दी रौनक गुंजाल सी बोल रहे हैं प्रियंका यादव डी बोल रही है प्रियंका यादव डिंडोरी पे अटकी हुई है अभी तक है ना ज्योति कन्नौज सी जल्दी नेट खत्म कर लेते हो पूरा और फिर सी डी सी डी करते रहते हो चलिए है ना जल्दी बताओ अच्छा आज फ्रेंडशिप डे है तो सबका नेट वैसे ही ख़त्म हो गया होगा है ना रील भेजते भेजते एक तो जैसे अगर यहाँ से बात कर रहे हैं तो आपका मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया अब जैसे मैं आपको दो तीन चीज़ बताऊं ये जो मंडीदीप इंडस्ट्रियल एरिया है आप सभी के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट आपने नाम सुना होगा एक कंपनी का जिसका नाम है आइसर आइसर के ट्रैक्टर आते हैं आइसर की बस आती है तो जो आइसर का ट्रैक्टर बनता है वो इसी मंडीदीप में बनता है और आइसर की बस इंदौर में बनती है पीथमपुर में धार डिस्ट्रिक्ट में एक और चीज़ यहां से याद रखिएगा आपको एक और चीज़ पता है ऑप्टिकल फाइबर क्या ऑप्टिकल फाइबर ऑप्टिकल फाइबर क्या होता है कम्युनिकेशन में यूज़ होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे काम करता है तो ये जो ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री है वो भी यहीं मंडीदीप में लगी हुई है और ये मंडीदीप हमको पड़ता है मध्य प्रदेश के रायसेन डिस्ट्रिक्ट में इसमें मैक्सिमम लोगों का आंसर सुरभी मेधावी सपना पा सबका आंसर लगभग सही आ रहा है और इसका आंसर रायसेन है तो रायसेन में आइसर का ट्रैक्टर बनता है रायसेन में ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री लगाई जा रही है आपके प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट कि जो वहां पर ऑप्टिकल फाइबर इंडस्ट्री है वो कौन से देश की मदद से लग रही है तो वो आपके जापान के हेल्प से लग रही है ये फैक्ट भी अपने आपको यहाँ से याद रखना है और इसी के साथ आप एक और फैक्ट यहाँ से याद रख सकते हो इसी मंडीदीप के बारे में कि एक फैक्ट्री यहाँ पे एच ई जी पिछले साल के फॉरेस्ट के मेंस का क्वेश्चन एमपीपीएससी ने फॉरेस्ट मेंस से पूछा था इसको ऑब्जेक्टिव में कि एचई जी फैक्ट्री मध्य प्रदेश में कहाँ पर है इसका फुल फॉर्म है हिंदुस्तान इलेक्ट्रो इलेक्ट्रोग्रेफाइड है ना तो ग्रेफाइड के इलेक्ट्रोड्स ही बनते हैं और इसकी फैक्ट्री भी आपके मंडीदीप रायसेन में लगी हुई है तो ये भी फैक्ट अपने आपको याद रखना है तो इसका आंसर आपको फिर एक बार यहाँ एक्सप्लेसन भी दे दिया कि लोकेशन रायसेन डिस्ट्रिक्ट कहीं ना कहीं आप देखोगे आपके मेंस के थ्री मार्कर की प्रैक्टिस करवा दे रहे हैं यहीं पर है ना कि लोकेशन रायसेन डिस्ट्रिक्ट फेमस फॉर ऑप्टिकल फाइबर है ना सेटअप विद द हेल्प ऑफ जापान और आइसा ट्रैक्टर प्लांट इज ऑल्सो सिचुएटेड हियर नोन फॉर हिंदुस्तान इलेक्ट्रोग्रेफाइड पिछले साल का फॉरेस्ट का मीन्स का क्वेश्चन है यहाँ जो ग्रेफाइड्स बनते हैं इलेक्ट्रोड ग्रेफाइड वो इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट होते हैं बहुत बड़ी कंपनी है ये भी याद रखिएगा मेधावी यादव सी सुरभि यादव सी है ना ये सारी चीजें फिर नेट्रेक्स कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री अपने आप में टफ क्वेश्चन ये भी एम के फॉरेस्ट के मीन्स का आया हुआ क्वेश्चन है जल्दी बताइए कि नेटरेक्स कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है है ना नेट्रेक्स कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आता है नेट्रेक्स का फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक है ना फुल फॉर्म है नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक तो ये कौन से कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर में आ रहा है जल्दी बताइए कितने लाइव है दिखाने ठीक मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तो जैसे कि आप बता रहे हो अब देखो प्रीलिम्स में हमको क्या करना चाहिए सबसे पहले जब हमें आंसर नहीं पता हो तो जब हम लोगों को आंसर नहीं पता हो तो हम लोग क्या करना चाहिए एलिमिनेट करना चाहिए अब आप भी जानते हो कि नेट्रैक्स हमको पता है नेशनल ऑटोमोटिव टेस्ट ट्रैक तो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ तो इसमें होगी नहीं ऑटोमोटिव आ गया तो एजुकेशन होगी नहीं पक्का इन दोनों में से कुछ होगा कि क्या एग्रीकल्चर का ऑटोमेशन करने की बात कर रहे हैं एक तो ये फिर हम लोगों को बस यहाँ पर ढूंढना है तो हम लोग बता देंगे मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज मतलब एक जो एलिमिनेशन कर लेते हो अगर आप एक भी हटा देते हो तो आपके करेक्ट आंसर होने की प्रोबेबिलिटी सीधे 30 परसेंट बढ़ जाती है ठीक समझिएगा तो एलिमिनेशन आपको आनी चाहिए मा सब लोगों का आंसर बी 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 मेधावी यादव डी है ना न मेधावी यादव तो हेल्थ में क्या करेगी ऑटोमोटिव का है ना सुरभि यादव बी रौनक गुंजाल बी ये उसका पूरा एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा नेट क्या है नेशनल ऑटोमोटिव टेस्टिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट यहाँ पर बेसिकली नेटफ्रिक्स में क्या होता है जितनी भी आपकी हाई स्पीड कार्स होती है है ना जैसे आप लोग देखते ना कि यूट्यूब पे कई लोग चलाते हैं टू फिफ्टी थ्री हंड्रेड कई लोग दिखाते हैं कि हम लोग इतनी तेज़ कार चलाते हैं तो जो हाई स्पीड कार्स होती है उसकी टेस्टिंग जो होती है पीथमपुर धार में ये नेटरेक्स लगा हुआ है तो ये पीथमपुर धार में यहाँ पर इसको पूरा एक ट्रैक बनाया हुआ है जहाँ पर हाई स्पीड कार्स की टेस्टिंग होती है पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है क्योंकि नेट्रिक्स के आसपास तेंदुए और टाइगर की मूवमेंट देखी गई है तो तेंदुए को तो पकड़ लिया गया है टाइगर को अभी तक नहीं पकड़ा गया क्योंकि टाइगर कहाँ है घूम रहा आराम से अभी फिर द मसाला पार्क एंड एग्रो कॉम्प्लेक्स नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन है द क्वेश्चन देखना क्वेश्चन है पकड़ना द मसाला पार्क एंड एग्रो कॉम्प्लेक्स एस्टेब्लिश बाय गवर्नमेंट ऑफ मध्य प्रदेश आर लोकेटेड इन दिस डिस्ट्रिक्ट है ना जल्दी बताइए बी बता रहे हैं बहुत सारे लोग इसका आंसर है ना सीहोर की पीछे चल रहे हो अभी तक ऋतिक तिवारी भी बोल रहे हैं निहारिका सिंह सी पे आ चुकी है वंशिका सी समीक्षा साहू छिंदवाड़ा आप लोग भी बोल रहे हो छिंदवाड़ा जितने क्लासरूम प्रोग्राम में जुड़े हुए हैं मेरे साथ तो सभी लोग इसका आंसर छिंदवाड़ा बता रहे हैं और इसका आंसर जो करेक्ट आंसर निकल के आ रहा है वो कौन सा आ रहा है छिंदवाड़ा निकल के आ रहा है जल्दी जल्दी कमेंट करिए क्योंकि क्वेश्चन ज़्यादा है तो हम लोग जल्दी इसको वो करेंगे समझने का ज़्यादा है आज देखिए जैसे आप सभी को पता है मध्य प्रदेश का एक डिस्ट्रिक्ट है छिंदवाड़ा है ना और छिंदवाड़ा में आपको एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज़ को प्रमोट किया जा रहा है जैसे आपने सुना होगा ना कि एग्रो कॉम्प्लेक्स है ना तो हम लोग छिंदवाड़ा में एग्रो कॉम्प्लेक्स लेके आ रहे हैं जिसमें ज्यादा से ज्यादा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को वहां पे सेटअप किया जाएगा और छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के बारे में आप सभी लोग जानते हो कि जो मध्य प्रदेश का छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट है ये क्यों फेमस है यहाँ पर छींद के पेड़ बहुत ज्यादा मिलते हैं और छींद के पेड़ों से झाड़ू बनाई जाती है छींद की झाड़ू जो आती है इसलिए लोकल्स ने इसको नाम क्या दिया छिंदवाड़ा नाम इसका यहाँ से पड़ा है कि छींद के पेड़ यहाँ बहुत ज्यादा मात्रा में पाए जाते हैं इसलिए इसको छिंदवाड़ा कहा जाता है ठीक है सुरभी जी सुन लिया इसका आंसर सी है अब आप छिंदवाड़ा के बारे में थोड़ा सुन लो सुरभि ने बीस पच्चीस बार सी टाइप कर दिया कि बोले मेरा नाम लो है ना एक तो ये तो जैसे कि यहां से बात कर रहे हैं कि अब इसी छिंदवाड़ा के साथ एक और बात कि आपको याद रखना है कि छिंदवाड़ा में आपको एक ट्राइबल ग्रुप भी मिलता है जिसका नाम क्या है भारिया जो मध्य प्रदेश का एक बहुत बैकवर्ड ट्राइबल ग्रुप है जिसको आदिवासियों का आदिवासी कहते हैं इसी छिंदवाड़ा ग्रुप में आपको एक कोल फील्ड मिलती है जिसको बोलते हैं तामिया कोल फील्ड्स छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट कोल का भी प्रोडक्शन करता है ये भी चीज़ याद रखिएगा इसी छिंदवाड़ा के साथ आप ये भी याद रखिए मध्य प्रदेश के जो पूर्व सी थे कमलनाथ वो इसी जी इसी जिले से आते अभी इनके जो बेटे हैं नकुलनाथ वो छिंदवाड़ा के कौन है सांसद है है ना और जो कमलनाथ जी छिंदवाड़ा से विधायक है दोनों चीज़ें याद रखिएगा तो बेटा सांसद और पिता वहाँ से विधायक एक और चीज़ इसी कमलनाथ में इसी सॉरी कमलनाथ बोल रहा हूँ है ना इसी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में आपको एक और चीज़ क्या मिलती है जाम सावली टेम्पल मिलता है आपने देखा होगा कि एमपी टूरिज्म एक फोटो डालता है हनुमान जी की लेटी हुई मूर्ति है बहुत बड़ी दस से पंद्रह फिट की तो वो यहीं पर है कहाँ छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में है तो ये भी चीज़ यहाँ से याद रखिएगा तो ये इतनी चीज़ें आपको छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट देखे जा रहा है और इसी छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट को हम एक और नाम से कहते हैं किस नाम से कॉर्न सिटी मक्का सिटी के नाम से भी कहते हैं हर साल यहाँ मक्का फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ होता है और पिछले साल जब यहाँ कॉर्न फेस्टिवल हुआ था पहली बात क्यों होता है जैसे कि आप देखोगे कॉर्न फेस्टिवल में मक् छिंदवाड़ा ज़िला अकेला आठ टाइप से ज़्यादा मक्के प्रोड्यूस करते हैं मक्के की भी वैराइटीज़ होती है, है ना तो छिंदवाड़ा ज़िला अकेला जो है आठ से ज़्यादा प्रकार के मक्के प्रोड्यूस कर रहा है और फिर आप लोगों को नहीं पता हमको पता है कि मक्के को सिर्फ वो भुट्टे को सिर्फ सेक के खाना है या ऐसे करके लेकिन जैसे क्या है इससे बहुत सारी डिश बनती है मक्के के बड़े बनते हैं दक्षिण मध्य प्रदेश का भी आइए बैतुल छिंदवाड़ा तो आपको मक्के के बड़े खिलाएंगे है ना तो वो खा लोगे तो अपने दूसरे बड़े खाना भूल जाओगे तो इसको क्या है कि ये दूसरे जो चीज़ें हैं यहाँ प्रमोट कर रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इसका प्रोडक्शन और बढ़े ठीक मेधावी यादव क्या कह रही है सर आपकी स्माइल बहुत क्यूट है थैंक यू है ना चलिए तो प्रभांशु हंस रहा है इस बात पे चलिए तो ये आपको छिंदवाड़ा याद रहेगा देखिए कितनी बात हो गई भारिया ट्राइबल ग्रुप तामिया सीएम कमलनाथ आते हैं जाम आता है और इसी छिंदवाड़ा के हम लोग क्या कहते हैं कौन सिटी कहा जाता है और बाकी फिर कोई और बोल रहा है सर छिंदवाड़ा कहाँ है बापरे कहाँ राजस्थान से जुड़ गए क्या नेहा गुप्ता जी छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश के दक्षिणी पार्ट में आता है और छिंदवाड़ा के बारे में एक और चीज़ आपने सुना होगा मध्य प्रदेश में गोंडवाना डायनेस्टी थी तो गोंडवाना डायनेस्टी की अलग अलग ब्रांचेस थी तो उसी में एक ब्रांच थी देवगढ़ ब्रांच और जो देवगढ़ ब्रांच के जो गोंड थे वो छिंदवाड़ा से ही रूल किया करते थे तो, तो देवगढ़ का किला भी कहाँ पर है देवगढ़ का किला जो है वो भी आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में तो आप देखो एक प्री का क्वेश्चन जिसमें मैंने आपको छः से सात फैक्ट दे दिए यहीं पर है ना एक क्वेश्चन के लिए आए और सात फैक्ट लेके जा रहे देवगढ़ का किला कहां पड़ा छिंदवाड़ा याद रहेगा कौन सी डायनेस्टी रूल करती थी डायनेस्टी ठीक फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ गए तो उसको हमने छिंदवाड़ा को और जो जो चीजें थी समझा दिया गणेशपुरा सोलार पार्क गणेशपुरा पार्क जल्दी जल्दी आंसर दीजिए समय कम है गणेशपुरा पुरा सोलार पार्क मध्य प्रदेश में कौन से डिस्ट्रिक्ट में है और इसकी खास बात क्या है रोहित मीना सोनम पाराशार परवांशु गोर्जर कब चले फिर सर जी चलते हैं जल्दी है ना जल्दी बताओ गणेशपुरा सोला पार्क राजगढ़ गुना अशोकनगर विदिशा जल्दी बताओ नेहा गुप्ता सर अभी आए हैं ठीक है आंसर दो है ना यूट्यूब पे जनता मजे ज्यादा मार लेती है <laughs> चलो बताओ राजगढ़ 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 दस पांच सेकंड दूंगा बस फिर उसके बाद इसको डिस्कस करेंगे राजगढ़ अभय राज सिंह राजगढ़ पूजा यादव राजगढ़ ज्योतिनागर मेधावी यादव राजगढ़ प्रीति राजगढ़ प्रियंका यादव राजगढ़ है ना समीक्षा साहू राजगढ़ प्रभाशु राजगढ़ आनंद पाटीदार इसका आंसर राजगढ़ है मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में कौन से रीजन में मध्य प्रदेश के मालवा रीजन में आपको एक डिस्ट्रिक्ट पड़ती है जिसको हम लोग राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट के नाम से भी कहते हैं और इसी राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में मध्य प्रदेश का ये पहला सोलार पार्क था फर्स्ट सोलार पार्क ऑफ एमपी तो ये भी फैक्ट याद रखिएगा जो गणेशपुरा है मध्य मध्यप्रदेश का कैसा है पहला सोलार पार्क है उसको उस टाइम पे 50 मेगावाट की कैपेसिटी के साथ सेटअप किया गया था एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे और इसी के साथ आप राजगढ़ जिले के बारे में एक और चीज़ आप फैक्ट देखते हो कि राजगढ़ जिला प्रदेश का पहला जिस, ऐसा जिला है जिसने ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट पब्लिश की थी कौन सी रिपोर्ट ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट किस डिस्ट्रिक्ट ने पब्लिश की तो ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट ने कब पब्लिश की थी तो जो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट है उन्होंने इसको पब्लिश किया था कब 1995 में कब पब्लिश किया था नाइनटीन फाइव में इसमें इनको पब्लिश किया गया था तो ये भी चीज़ याद रखिएगा और इसी राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट से अगर मैं आपको एक कुछ ही बताऊँ कि मध्य प्रदेश का कश्मीर कश्मीर ऑफ मालवा जिसको कहते हैं नरसिंहगढ़ तो वो भी कौन से डिस्ट्रिक्ट में आता है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में आता है तो एक और फैक्ट भी याद रखिएगा कि आपका नरसिंहगढ़ कौन से डिस्ट्रिक्ट में है नरसिंहगढ़ भी आपका कौन से डिस्ट्रिक्ट में है राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है नीचे आपके दिख रहे हैं मेधावी यादव बोल रही है ए बिल्कुल सही और नीचे आपको दिख रहा है गुना गुना वालों की सबसे बड़ी समस्या क्या कि उनको यही नहीं पता कि हम बुंदेली बोले कि मालवी बोले है ना क्योंकि आधा वो बुंदेलखंड का क्षेत्र लग जाता है आधा मालवा का क्षेत्र लग जाता है इकोटोन जैसा हो जाता है है ना इकोटोन मतलब जोन ऑफ ट्रांजिशन क्योंकि गुना के जस्ट नीचे लगा हुआ है राजगढ़ और गुना के जस्ट ऊपर लग जाता है या साइड में बुंदेलखंड चालू हो जाता है तो ये गुना डिस्ट्रिक्ट है गुना का फुल फॉर्म क्या है ग्वालियर यूनाइटेड नेशनल आर्मी याद रखिएगा गुना का फुल फॉर्म क्या है ग्वालियर यूनाइटेड नेशनल आर्मी तो ये भी चीज यहां से याद रखिएगा ठीक रहेगी एक और चीज याद तो ये आपका गुना डिस्ट्रिक्ट हो गया नीचे फिर विदिशा है और फिर आपका अशोकनगर है चलिए और अगर विदिशा की बात हो रही तो एक फैक्ट बता देता हूँ आए हो अब तो सुषमा स्वराज जी का नाम सुना है सुषमा स्वराज जो है सुषमा स्वराज मध्य प्रदेश में ये सॉरी हरियाणा की रहने वाली थी भारत की विदेश मंत्री भी थी लेकिन बहुत सारे कम लोगों को यह पता है कि सुषमा स्वराज विदिशा लोकसभा सीट को रिप्रेजेंट भी कर चुकी है एक बार तो विदिशा से सांसद भी रही है सुषमा स्वराज विदिशा से ही सांसद रहे अटल बिहारी वाजपेयी विदिशा से ही सांसद रहे शिवराज सिंह चौहान तो ये बीजेपी के जितने ही बड़े लीडर है यहाँ पर रिप्रेजेंट कर चुके हैं आपकी विदिशा सीट को तो ये चीज़ें भी याद रखिएगा गुना का फुल फॉर्म नहीं है कैसे तुमको पता है ना एक तो ये चलिए नेक्स्ट देख रहे हैं तो राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट है ना हम लोगों ने वो उसका देख लेते हैं राजगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है 50 मेगावाट ओन्ड बाय एनटीपीसी कंप्लीटेड इन 2014 आप यहां से देखो प्री की भी तैयारी हो रही मेंस की भी तैयारी हो रही है आपका एमपीपीएससी मेंस का थ्री मार्कर का आंसर याद रखिएगा ठीक कोई बोल रहा है कमेंट में गुना के बारे में थोड़ा और बताओ है ना गुना में टेकरी है गुना वाले वहीं जाते रहते हैं पूरे टाइम है ना एक तो ये तो वहाँ मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची भगवान राम की मूर्ति जो है अभी गुना डिस्ट्रिक्ट में बन रही है गुना डिस्ट्रिक्ट में आपका गेल का प्लांट है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड का प्लांट कहाँ पर गुना में लगा हुआ है नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड जो है एन का प्लांट आपका गुना डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश के जो पूर्व मुख्यमंत्री है जिनका नाम क्या है दिग्विजय सिंह दिग्विजय सिंह भी गुना से आते हैं राहूगढ़ से है ना तो ये इतने फैक्ट आप याद रखिएगा और गुना डिस्ट्रिक्ट में आपको गोपी कृष्ण सागर डैम भी आपको गुना डिस्ट्रिक्ट में मिलता है और गुना डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा धनिए का प्रोडक्शन करता है कोरिएंडर का प्रोडक्शन और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट में ही गुना डिस्ट्रिक्ट को कोरिएंडर के लिए चुना गया है दिव्य ठाकरे बैतूल से आ चुके हैं और बोल रहे हैं मेरा नाम ले दो तो दिव्य ठाकरे बैतूल डिस्ट्रिक्ट में एक जगह है, है आमला और आमला का फुल फॉर्म है एम्यूनेशन लैंड है ना जहाँ पर इंडियन एयरफोर्स की चौकी बनी हुई है तो वहाँ से आ चुके हैं तो ले दिया है ना ठीक है दिव्य भाई चलो आगे चलते तो ये आपका मीन्स का थ्री मार्कर नेक्स्ट जो है वेल्सपून सोलर पावर प्रोजेक्ट एक प्राइवेट कंपनी का प्लांट है मोस्ट प्रॉबली जीरो परसेंट चांस है कि एमपीपीएससी प्री में आएगा लेकिन इसलिए डिस्कस कर रहे हैं ताकि हमको एक आदत रही कभी ऐसे क्वेश्चन भी आ गए तो हमें वहां पर घबराना नहीं है वेल्सपुन सोलार पावर प्रोजेक्ट मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में दिखता है बताइए सुरभि यादव बोल रहे हैं हम गुना सही है ठीक है जल्दी बताओ वेल्सपुन सोलर पावर प्रोजेक्ट एक रतलाम बोल रहे हैं अवनी शुक्ला डी बोल रही है ज्योति डी ज्योति नागर वंशिका वाधवा डी समीक्षा साहू डी नीमच अब आप लोग मंसौर बोल रहे हो है ना बच्चे नीमच बोल रहे हैं किसको माने जल्दी क्योंकि सुना ही नहीं कभी ना एमपी किताबों में ज़्यादा इसके बारे में बात की गई है तो वेल्सपून सोलर पावर प्रोजेक्ट पांच सेकंड और दे रहा हूँ जल्दी जल्दी बता दीजिए तो वेल्सपून सोलार पावर प्रोजेक्ट आपको मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में दिखता है मध्य प्रदेश के नीमच डिस्ट्रिक्ट में आपको ये दिखाई देगा अभी नीमच डिस्ट्रिक्ट एक बार और आएगा तब हम लोग और समझेंगे इसको कि और क्या क्या चीज़ें हैं तो इसको ज्यादा एक्सप्लेनेशन में हम लोग नहीं लेंगे सीधा आगे बढ़ते हैं देखिए आपने एक्सप्लेनेशन दे दिया कि जो वेल्सपून सोला पावर प्रोजेक्ट है मध्य प्रदेश के नीमच डिस्ट्रिक्ट में है इसकी कैपेसिटी 150 मेगावाट है और इसको भी 2014 में कंप्लीट किया गया था मेन्स का थ्री मार्कर एक और आपको और ये आपको वहाँ भी तो काम आ जाएगा कि उसने बोला राइट अ नोट ऑन सोला पावर प्रोजेक्ट्स ऑफ मध्य प्रदेश

मैं आपको एक बेसिक सी इंफॉर्मेशन दे दूं कि भारत में सेंसस करवाने के लिए सबसे बड़ा ऑफिसर जो होता है वो सेंसस रजिस्ट्रार ऑफ इंडिया होता है जो आई रैंक का ऑफिसर होता है और इसी सेंसर रजिस्ट्रार के अंडर हर स्टेट में अलग अलग वो अपने सब डिविजनल सेंसर रजिस्ट्रार को अपॉइंट करता है तो उस टाइम पे मध्य प्रदेश के कौन थे बताइए 2011 का जब सेंसस हुआ था तब मध्य प्रदेश के सेंसर रजिस्ट्र कौन थे बताइए निहारिका सिंह ए बोल रही है अवनीश शुक्ला ए प्रभांशु गुर्जर सचिन कौन सा सचिन <laughs> हाँ सचिन सिन्हा वो अभी एक और सचिन चल रहा है ना मार्केट में <laughs> एक तो ये तो कौन है सचिन सिन्हा कंचन जैन विवेक कुमार और विमल जुलका बताइए ऋतिक तिवारी सचिन सिन्हा पूजा यादव मेधावी यादव बोल रही है सर 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 क्या हो गया ठीक तो एक तो ये सारी चीजें <laughs> बताइए हल्दी अब इसमें एक नाम है विमल जुल्का ये तो हटा दो क्योंकि तुम प्री में पढ़ के आओगे तो तुम आर के गवर्नर भी पढ़ के आओगे तो विमल जुल्का तो आर के गवर्नर थे ये तो अपने आप एलिमिनेट कर दो अब देखो तुम्हारे तुक्का लगने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई तीस परसेंट तो हो गई अभी कितनी थी अभी तो 25-25 परसेंट -25 थी अब और बढ़ गई कि भैया 30 से ज़्यादा होगी थर्टी थ्री परसेंट के आसपास हो गई अब हमको इन तीन में चुनना है तो आपने बता दिया कि सचिन सिन्हा मध्य प्रदेश के सेंसर स्टार थे टू के सेंसस में और जब 2011 का सेंसस हुआ था तो एक बात याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट हुई थी ट्वेंटी के आसपास कि मध्य प्रदेश में जो जनसंख्या वृद्धि दर है डिकेडल ग्रोथ रेट है वो बीस के आसपास थी लेकिन जब आप इंडिया में देखोगे तो यही पॉपुलेशन ग्रोथ रेट सेवनटीन परसेंट के आसपास है ठीक फिर एक और चीज याद रखिएगा कि एक और डायमेंशन यहाँ से क्या निकल के आया कि जब 2011 का सेंसस आया था तो मध्य प्रदेश की रैंक जो आई थी सिक्स रैंक आई थी सेंसस में या पॉपुलेशन में एक तो चीज़ याद रखिएगा अब जैसे सिक्स रैंक आई थी लेकिन हम पढ़ते कि मध्य प्रदेश की रैंक तो फिफ्थ है पॉपुलेशन में तो ये क्या हुआ था कि तेलंगाना अलग हो गया कर्नाटक आंध्र प्रदेश से 2014 में 1 जून को है ना सॉरी दो जून को तो उसी के साथ फिर वो टूट गया तो हम लोग अपने आप कौन से नंबर पे आ गए फिफ्थ नंबर पे आ गए लेकिन 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग हमारी रैंक क्या है सिक्स्थ रैंक है तो ये भी याद रह, याद रखिएगा इतनी बातें चलिए नेक्स्ट चलते हैं सही सचिन सिन्हा के बारे में पूरी बात और ये आपके लिए डिटेल एक में लेके आया था कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो होती है उसका एक पॉपुलेशन एक्ट आया था 1948 में और इसी 1948 के पॉपुलेशन एक्ट के थ्रू भारत में सेंसस करवाते हैं और सेंसस करवाने की जिम्मेदारी किसकी है स्टेट गवर्नमेंट की है सेंट्रल गवर्नमेंट की, की है राहुल कश्यप उधर ज्योति पे ध्यान ना देखे इधर ध्यान दे लो फ्री पास हो जाओगे है ना चलो हाँ है ना किस पे कौन करवाता है सेंसस सेंसस करवाता है सेंट्रल गवर्नमेंट कौन कराता है कौन करवाता है सेंट्रल गवर्नमेंट आपने पढ़ा होगा स्टेट लिस्ट सेंट्रल लिस्ट लिस्ट थ्री लिस्ट पढ़ते हैं अपन आर्टिकल 247 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन और उसमें सेंसस जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट दिया सॉरी सेंट्रल लिस्ट का सब्जेक्ट दिया हुआ है केंद्र की जिम्मेदारी बनेगी कि उसको सेंसस करवाना है ऑल सर बोल रहे हैं सर फुल फैमिली बिग फैन सर थैंक यू सर है ना <laughs> चलिए तो आनंद पाटीदार सेंट्रल गवर्नमेंट सब लोग बोल रहे हैं सेंट्रल गवर्नमेंट ठीक है तो ये मैंने आपको मध्यप्रदेश का वो ही बता दिया ट्वेंटी पॉइंट थ्री और आप देखो एमपीपीएससी एडीपीओ 2021 का क्वेश्चन भी है कि मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कितनी ट्वेंटी पॉइंट थ्री देखो हमने अलग चीज़ डिस्कस की थी लेकिन यहाँ आ गई वो बात एक तो ये सारी चीज़ें फिर एक और याद रखिएगा नेक्स्ट जो अपना क्वेश्चन आया यहाँ से निकल के और फिर मैंने ये अली बातें भी कर ली कि बालाघाट में मध्य प्रदेश सबसे ज़्यादा हाइएस्ट सेक्स रेशो है तो ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसको अभी क्लास में किया करेंगे हम लोग नेक्स्ट चल रहे विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड विथ हाइस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट कि वो मध्य प्रदेश में कौन सा डिकेड है या कौन सा डिकेडल ईयर है जहाँ पर सबसे ज़्यादा जनसंख्या देखी गई है ये क्वेश्चन टफ है अब बताइए 1981 से 1991, 1951 से 1961, 1961 से 1971 और 1901 से 1911। कोई बोल रहा है सी कोई बोल रहा है ए आगे जल्दी बता दीजिए फुल फैमिली बिग फैन हाँ ठीक जल्दी बताइए जीत एडिटर हेलो आंसर इसका क्या होगा सर मैं साहिल सिंह यादव अच्छा साहिल भाई कैसे हो एक जल्दी बता दो विच ऑफ द फॉलोइंग डिकेड इज विथ हाइएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट मध्य विदेश में वो कौन सा डिकेड है या आप बताओगे कि वो कौन से दस वर्ष से जिसमें सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी है एमपी की है ना तो वो वाला ईयर था 1961 से 1971 का वो ईयर था जिसमें भारत में सबसे ज्यादा जनसंख्या बढ़ी थी याद रखिएगा क्यों ऐसा हुआ पता है आपको हमारी इकोनमी स्टेबल होती आ रही थी बहुत सारे प्रोग्राम्स चलने लगे थे हेल्थ के है ना डेथ रेट कम होने लगी थी और आप जब पलट के देखोगे ना अपने घर में एक दो जनरेशन पहले तो आपको दिखेंगे दादाजी के दस भाई है ना आठ आठ बच्चे तो वो एक वो पीरियड जो चल रहा था ना ये वो पीरियड है तो इंडिया में आप देखोगे कि उस समय सबसे ज़्यादा हम लोग मध्य मध्यप्रदेश में देखा गया तब मध्य प्रदेश की पॉपुलेशन ग्रोथ थी 29.28 परसेंट कितनी थी 29.28 परसेंट मैक्सिमम लोगों ने आंसर सी दिए सॉरी नाम नहीं ले पाया इस बारे में किसी का लेकिन याद रखिएगा द ग्रोथ रेट ऑफ मध्य प्रदेश इन वन टू नाइनटीन प्री में कभी भी आ सकता है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी के नोट्स में ना हो जिनको मैंने ऑफलाइन पढ़ाया था तो ऐड कर लेना इसको कितनी थी ट्वेंटी और यहां हमने कुछ स्कीम्स को भी डिस्कस कर लिया कि लोगों के हेल्थ को प्रमोट करने के लिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट अलग अलग स्कीम्स भी चला रही है जिसमें आप राज्य बीमारी सहायता निधि दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना दीनदयाल मोबाइल क्लिनिक और संपूर्ण स्वास्थ्य सबके लिए एक अभी मैं youtube पे एक सीरीज और लेके आऊंगा जिसमें एमपी की स्कीम्स हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहां इनको बहुत डिटेल देखेंगे चलिए हाउ मेनी सीट्स हैव बीन रिजर्व फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब इन लोकसभा मध्य प्रदेश में जनजातियों के लिए लोकसभा में कितनी सीटें आरक्षित है मेधावी यादव राहुल कश्यप बिट्टीनिट्टीवन राहुल कश्यप ओ 6 जैसे क्वेश्चन आया मध्य विदेश में पहली बात तो देखो प्री में क्या करना है तुमको प्री में यह पकड़ना है शेड्यूल ट्राइब पूछा है ना नहीं तो तुम शेड्यूल कास्ट कर दो जल्दीबाजी में यहाँ गलती हो सकती है ठीक तो इसलिए मैंने बोला ध्यान कहाँ देना इस पर ट्राइब को अंडरलाइन कर लें इस वर्ड को फिर उसने कहा बोला लोकसभा जल्दीबाजी में अगर मैं ऑप्शन में और घुमा सकता था है ना मैं यहाँ नन ऑफ द अवा दे, दे देता और यहाँ फोर्टी सिक्स दे देता आधे लगा देते कि फोर्टी सिक्स तो है देखते नहीं कि लोकसभा का पूछा है वो बोलते विधानसभा पूछ दी एम करेगा आपके साथ मैगजी लोग आंसर इसका सी दे रहे हैं मेधावी जीत पूजा सभी लोग इसका आंसर सी दे रहे हैं और जैसे कि आप यहाँ से देखोगे तो इसका आंसर क्या है सी जैसा कि आप सभी जो जानते हो ट्राइबल्स की अपनी एक प्रॉब्लम से जब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फॉर्मेशन हो रहा था तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने एक बात बोली कि अगर ट्राइबल्स का जो इश्यूज़ है उनको सॉल्व करना है उनके ग्रीवियंसिस का रिड्रेसल करना है तो उनका पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ा दीजिए और पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन बढ़ाने के लिए आपको उनको रिजर्वेशन देना पड़ेगा तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल तीन कौन सा आर्टिकल आर्टिकल 330 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद रिजर्वेशन ऑफ सीट्स ऑफ इन लोकसभा फॉर शेड्यूल ट्राइब और जब हम मध्य प्रदेश की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में छह सीटें हैं जो एसटी के लिए रिजर्व है कौन कौन सी ये छह सीटें हैं तो यहां से पहला आ जाएगा आपका शहडोल यहां से आपका आ जाएगा मंडला यहां से आ जाएगा आपका रतलाम यहां से आ जाएगा धार खरगोन और बैतूल शहडोल मंडला रतलाम धार खरगोन और बैतूल जैसे हम लोग देखते हैं मंडला डिस्ट्रिक्ट से एक आपके वो है फग्गन सिंह कुलहस्ते क्या नाम है फग्गन सिंह कुलहस्ते फग्गन सिंह कुलहस्ते का नाम क्यों लिख रहा हूं मैं फग्गन सिंह कुलहस्ते जी गोन ट्राइब से आते हैं मंडला डिस्ट्रिक्ट के सांसद हैं और अभी मोदी सरकार में मंत्री है केंद्र में है ना तो केंद्र में मिनिस्टर है इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो गया फग्गन सिंह कुलस्ते जी फिर जैसे यहां से आ रहे हैं तो बैतूल के जो सांसद है वो भी गोंड ट्राइब से आते हैं डी डी उ देवीदास के तो मैक्सिमम यहाँ से जब हम धार डिस्ट्रिक्ट को देखते हैं तो वहां से भी जो आपके जो है भील ट्राइब के सांसद है तो मैक्सिमम जो जिले है जो आपको दिख रहा है यहां पर सभी जो आपके है, है ना रहेगी इतनी बातें है यार ये इतनी है फिर नेक्स्ट आ गए यहाँ से हु वॉज द गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश एट द टाइम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजडी हु वॉज द गवर्नर ऑफ मध्यप्रदेश एट द टाइम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजडी ज्योति का नाम ले लो मतलब क्या बोलना चाह रहे हो आप लोग है ना लवी बुंदेला ऑल सर जल्दी बताइए हु वॉज द गवर्नर ऑफ एम पी एट द टाइम ऑफ भोपाल गैस ट्रेजिडी बी डी शर्मा के एम चांडी सरला अग्रेवाल और मोहम्मद शफी कुरेशी बताइए आंसर इसका प्रियंका यादव बोल रही है के एम चांदी ठीक है तो इसका आंसर मान ले लगभग लोग बोल रहे हैं क्या के एम चांदी ये इसका आंसर है अब जैसे आप देखोगे तो 1981 के आंसर नाइनटीन एट्टी फोर के आसपास भोपाल गैस स्टड हुई थी और नाइनटीन एट्टी फोर में एक और बहुत बड़ा इवेंट हुआ था असासीनेशन ऑफ श्रीमती इंदिरा गांधी इंदिरा गांधी की हत्या भी नाइनटीन एट्टी फोर में ही हुई थी और इसी नाइनटीन एट्टी फोर में हमको दिखता है कि के एम चांडी जो थे मध्य प्रदेश के गवर्नर थे जिस टाइम ये घटना हुई थी भोपाल गैस स्टेच वाली जिसमें गैस लीक हुई थी जिसका नाम था एम आई सी मिथाइल आइसोसाइनाइड जो एक कंपनी थी यूनियन कार्बाइड लिमिटेड जो फर्टिलाइजर्स बनाने का काम करती थी है ना कंपनी में बहुत सारी खामियां थी बहुत सारे लूपहोल्स थे कोई भी सेफ्टी डिवाइस काम नहीं कर रहे थे तो गवर्नमेंट में भी यहाँ पर इसके ऊपर फिर केसेस वगैरह भी हुए लेकिन एट द एंड कुछ भी नहीं हुआ यहाँ पर तो ये भी याद रखिएगा 1984 कंपनी का नाम है यूनियन कार्बाइड इंडिया लिमिटेड ये इतनी चीज़ यहाँ से याद रखिएगा भोपाल में इसका प्लांट लगा हुआ है और एम का प्लांट है ये भी याद रखिएगा मिथाइल आइसोसाइनाइट है ना जो मिथाइल आइसो साइनाइट जो लीक हुई थी यहाँ से ये इसमें इतने लोग मरे क्यों थे पता है आपको जो एम जो गैस थी ना मिथाइल आइसोसाइनाइट ये हैवी गैस होती है तो ये ऊपर नहीं जा रही थी ये नीचे रह जा रही थी है ना और नीचे ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें क्या आ रहे थे? में आ रहे रहे थे थे में अगर ये हैवी गैस नहीं होती होती लाइट गैस तो तो ऊपर चले आती। इतने लोग नहीं तो एक ये भी चीज़ याद रखिएगा तो, कौन से राज्यपाल है जो केरल के भी राज्यपाल रहे हैं जल्दी ये राहुल कश्यप को ब्लॉक कर दो। है ना? बताइए ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑल्सो सबडेज द गवर्नर ऑफ केरल चलिए ऑप्शन में है जीपी सिंह सीएम पुनाचा भगवंत भगवत दयाल शर्मा निरंजन नाथ वांचू बताइए विच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नर ऑल्सो एज द गवर्नर ऑफ केरल बताइए जीपी सिंह सीएम पुनाचा भगवंतराव राव भगवत दयाल शर्मा निरंजन नाथ वांचू निरंजन नाथ वांचू ऐसा बता रहे हो पुनाचा नहीं है पुनाचा है या वांचू है और बता प्री के एक दिन पहले क्या होता है प्री के एक दिन पहले होता है वांचू पुनाचा वांचू पुनाचा है ना और वो साथ में चलते रहते बताइए अगर मैं बोलूँ पुनाचा है तो तुम बोल दो वांचू है इसका आंसर कई लोग बी बोल रहे हैं, कई लोग इसका आंसर डी बोल रहे हैं, है ना जल्दी बताइए ए जीपी सिंह डी बी डी बी डी बी बताइए जल्दी एक ऐसा ऑप्शन में कंफ्यूज हुए अब पुनाचार और वांचू सब एक तरीके से आपको यहाँ पर लग गए तो बताइए इसका आंसर क्या है जल्दी मेधावी यादव बोल रही है ए डी और सी तीनों मान लो है ना ठीक तो इसका आंसर जैसे हम लोग बोल रहे हैं कि इसका आंसर आपके पास ये आ गया कि निरंजन नाथ वांचू है ना जिनका बर्थ कहाँ हुआ था मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में इनका बर्थ हुआ था और ही वॉज ऑल्सो द गवर्नर ऑफ केरल स्टेट जो केरल स्टेट के गवर्नर रहे हैं आई ऑफिसर थे ये ठीक तो ये भी याद रखिएगा एंड ज्वाइंट सेक्रेटरी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ज्वाइंट सेक्रेटरी भी रहे हैं ठीक रहेगी बातें से तो ये भी चीज़ यहां से हमको याद रखना है कि जो आपके निरंजन नाथ वांचू है केरल के गवर्नर रहे मध्य प्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में इनका बर्थ हुआ है तो इतनी चीजें हैं जॉइंट सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आई एस ऑफिस और केरल के भी है तो इतनी तीन चार इन्फॉर्मेशन हमको एक्स्ट्रा यहां से मिलती जा रही है ठीक नेक्स्ट आगे चलते हैं विच गवर्नर ऑफ मध्यप्रदेश स्टेट वॉज बॉर्न इन कर्नाटका मध्य प्रदेश का वो कौन सा गवर्नर है जिसका जन्म कर्नाटका में हुआ है ऑप्शन से सॉल्व कर देंगे जो दिमाग वाले लोग हैं पुनाचा वांचू फिर आ गए जल्दी बताइए विच गवर्नर ऑफ मध्यप्रदेश स्टेट वॉज इन कर्नाटका जीत एडिटर ए बी सी डी जीत बेटा तुम्हारा कुछ ना हो पाएगा अगर ऐसी स्थिति रही तुम्हारी ए बी सी डी वाली तो हाँ सीएम पुनाचा भगवत दयाल शर्मा और निरंजन नाथ वांचू तो इसका आंसर है सीएम पुनाचा और तो जैसे कि अपन देखेंगे कि जो आपके यहाँ से वांचू का आंसर कर दिया ठीक तो ये जो आपके पुनाचा है इसमें आंसर भी दे दिया तो ये क्विट इंडिया मूवमेंट ने पार्टिसिपेट किया था इन्होंने फर्स्ट इंडस्ट्री कॉमर्स मिनिस्टर थे मैसूर के तो ये भी याद रखिएगा और प्रेसिडेंट रूल भी इनके टाइम पे इम्पोज हुआ था 1900, अस्सी में तो ये भी एक फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा विच पर्सनैलिटी सर्वड एज डिप्टी सी एम जैसे आप लोगों को पता है आजकल इंडिया में डिप्टी सी एम डिप्टी सी एम ज़्यादा खेल रहा है बहुत सारे स्टेट्स में डिप्टी सी एम बन रहे हैं लेकिन पिछले पंद्रह बीस सालों में आपने देखा होगा मध्य प्रदेश में कभी कोई डिप्टी सी एम नहीं बना लेकिन एक समय पर डिप्टी सी एम मध्य प्रदेश में आपको बहुत सारे दिखाई देते थे और कई बार मध्य प्रदेश में डिप्टी सी एम बने हैं है ना तो जो डिप्टी सी एम थे वो कौन कौन रहे हैं मध्य प्रदेश में तो आपके ऑप्शन है श्री प्रकाश चंद्र सेठी सुंदरलाल पटवा वीरेंद्र कुमार सकलेचा और कैलाश चंद्र जोशी इनमें से कौन सा व्यक्ति प्रदेश का डिप्टी सीएम रहा है बताइए एक मैम बोल रही है वीरेंद्र कुमार सकलेचा। अपना कोई मत इसमें वीरेंद्र वीरेंद्र भाई वीरेंद्र कुमार सकलेचा। और बताइए क्या लग रहा है इसका आंसर आपको बता दें इसका आंसर जो इसका आंसर है वो आपका क्या है श्री वीरेंद्र कुमार सखलेचा इसके आंसर निकल के आएंगे और जैसे कि आपको दिख रहा है मध्य प्रदेश में चार लोग आज तक डिप्टी सीएम रहे हुए हैं एक तो आपके वीरेंद्र कुमार सखलेचा है ना फिर आपके हैं शिव भानु सोलंकी शिव भानु सोलंकी बेसिकली ट्राइबल है ये भी याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के पहले ट्राइबल जो डिप्टी सी रहे डिटेल क्वेश्चन मध्य प्रदेश के पहले ट्राइबल लीडर जो डेप्यूटी सीएम रहे हैं कौन बताएगा तो यहाँ से आप बताओगे कि मध्य प्रदेश में जो शिव भानु सोलंकी थे वो मध्य प्रदेश के ऐसे पहले ट्राइबल लीडर थे जो डेप्यूटी सीएम रहे हैं ये मध्य प्रदेश के धार डिस्ट्रिक्ट से आते हैं और बेसिकली भील ट्राइब को रिलेट करते हैं फिर एक और नाम है सुभाष यादव है ना अब जैसे कि ये सुभाष यादव जी कौन है इनके बेटे हैं अरुण यादव आपने सुना होगा कि कांग्रेस के बहुत बड़े लीडर है पिछली विधानसभा सीट में शिवराज सिंह चौहान के अगेंस्ट लड़े भी थे बुधनी विधानसभा सीट से लेकिन ये यहाँ के नहीं है सुभाष यादव आते हैं कहाँ से निमाड़ रीजन से खंडवा खरगोन से खरगोन डिस्ट्रिक्ट से आते हैं पिछली बार आपने देखा होगा जब कमलनाथ सरकार बनी थी तो सचिन यादव एग्रीकल्चर मिनिस्टर थे वो इनके भतीजे थे है ना तो ये लो ये वाली जो फैमिली है तो सुभाष यादव जी मध्य प्रदेश के कौन रहे हैं डिप्टी सी रहे हैं खरगोन से आते हैं और ऐसा बोला आता है कि मध्य विदेश में जो कॉपरेटिव मूवमेंट को बढ़ाने का जो श्रेय दिया जाता है इनको ही दिया जाता है इसलिए आप देखोगे कि एक करेंट अफेयर का ही फैक्ट है भोपाल में जो एपेक्स बैंक की जो बिल्डिंग है एपेक्स बैंक बेसिकली मध्य की सोसाइटीज का सबसे बड़ा बैंक है तो ये वाली चीज यहां से याद रखिएगा तो ये इसकी अभी उस बिल्डिंग का नाम चेंज करके सुभाष यादव बिल्डिंग कर दिया गया है, है ना पिछले साल में तो एपेक्स बैंक की बिल्डिंग जो न्यू मार्केट भोपाल में बनी हुई है फिर एक और है जमुना देवी कौन सी देवी जमुना देवी कहाँ पे ये भी मध्य प्रदेश की डिप्टी सीएम रही है 1997 के आसपास तो ये जमुना देवी भी ट्राइबल है क्या बिल्कुल तो जमुना देवी भी ट्राइबल पर्सनालिटी है और मध्य प्रदेश की लीडर ऑफ अपोजिशन भी रही है महिला तो ये आपकी एक और चीज़ यहाँ से आ रही है मेधावी यादव बोल रहे हैं आपकी क्लास खत्म होने वाली है बिल्कुल है ना चलिए हु वॉज द सेकेंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश हु वॉज द सेकेंड चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश के दूसरे चीफ सेक्रेटरी या सी कौन थे सिंह कुमार आर सी आरसीवीपी नरुन्ना और ऑप्शन जीत एडिटर बोल रहा है सी, जीत एडिटर को बुरा लग गया तो वो सही आंसर दे रहा है है ना एक तो ये। तो अब जैसे यहां से देखोगे तो आपको क्या हो गया आर सी जो है वो यहां पर आपको दिख रहा है और ये जो आर सी वी पी नरोना है ये अपने एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने जाते थे और आप कभी जब एम क्लियर करोगे डिप्टी कलेक्टर बनोगे तो आप आरसीबीपी नरोन्ना अकेडमी में ट्रेनिंग करने जाओगे भोपाल अब ये आरसीवीपी का फुल फॉर्म क्या है रोनाल्ड कार्ल्टन विवियन पियाडेड नरोन्ना अकेडमी फुल फॉर्म क्या है इसका रोनाल्ड कार्टन विवियन पियाडेड नरोन्ना अकेडमी ये पूरा नाम है, है इनका ठीक क्योंकि ये अपने मध्यप्रदेश में जन्म नहीं हुआ था इनका जन्म हुआ था तेलंगाना हैदराबाद इनका बर्थ हुआ था फिर ये आई ऑफिसर बने थे तो इनको एम पी कैडर मिला था तो एम पी कैडर मिला था तो मध्यप्रदेश में सी भी बने और अपने बहुत अच्छे एडमिनिस्ट्रेशन के लिए जाने आते थे इसलिए इनके नाम पर बनाया गया तो आप सोचो जब आप आपकी ट्रेनिंग अकेडमी का नाम भी इतनी कठिन है तो पेपर भी कठिन होगा है ना तो आर सी वी पी नरहन्ना अकेडमी अब कौन थे ये इनका फुल फॉर्म है रोनाल्ड कार्टन विवियन पीआरडेड नरहन्ना ठीक इनका बर्थ कहाँ हुआ था ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन हैदराबाद में इनका बर्थ हुआ था इनके फ्रेंड्स इनको प्यार से रोन के नाम से बोलते थे याद रखिएगा कि आर नरोन्ना को और किस नाम से जाना जाता था तो इनको रोन के नाम से भी कहते थे और फिर यहीं से एक चीज़ निकल के आती है कि इनकी एक बुक है या इनकी ऑटोबायोग्राफी है अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट एम पी की मैक्सिमम किसी भी किताब में नहीं लिखा हुआ है आपको किसी बुक में फैक्ट नहीं मिलेगा कि इनकी जो ऑटोबायोग्राफी है वो क्या थी अ टेल टोल्ड बाय एन इडियट रिटर्न बाय आर सी वी पी याद रहेगी किताब का नाम है ना तो ये भी चीज याद रखिएगा और इनको भारत सरकार का पद्म भूषण भी मिला हुआ है तो ये याद रहेगी आर सी बर्थ हैदराबाद किताब का नाम अटेल्ड अ टोल्ड बाय एन इंडियट और पद्म भूषण अवार्ड फिर नेक्स्ट लिखते पेसा एक्ट प्रोविजन फॉर एक्सटेंशन ऑफ पंचायती राज या पंचायती राज एक्सटेंशन इन शेड्यूल्ड एरियाज है ना तो ये जो पेशा है ये पेशा एक्ट तो बेसिकली क्या कर रहा है पंचायती राज को शेड्यूल एरिया में एक्सटेंड करने के लिए आया था तो पेशा एक्ट किस कमिटी की रिकमेंडेशन पे लाया गया कांतीलाल भूरिया दिलीप सिंह भूरिया है ना फिर आपका एक और राजेंद्र भूरिया और हर्ष चौहान बताइए हर्ष चौहान दिलीप सिंह जल्दी बताइए <coughs> कमेंट्स क्यों बंद हो गए हाँ क्योंकि आप मैंने दिया ही तो इसलिए आप लोग प्री में किताबों में पढ़ लेते हो भुरिया कमेटी और भुरिया कमेटी के आगे पढ़ते नहीं कि कौन सा भुरिया दिलीप सिंह भुरिया की कांतिलाल भुरिया की राजेंद्र भुरिया अब यहाँ आपकी फिल्म उलझ गई है तो जैसे परव अग्रवाल और मेधावी यादव बता रही है कि हर्ष चौहान बता रहे हैं और परव अग्रवाल बोल रहे हैं दिलीप सिंह भुरिया प्रियंका यादव दिलीप सिंह भुरिया तो इनका नाम जो है मृणालिनी बोल रही है दिलीप सिंह भुरिया तो ये आपके कौन है ये आपके है दिलीप सिंह भुरिया ठीक कौन है दिलीप सिंह भूरिया है इनका जो बर्थ है बेसिकली आपको ये मध्य प्रदेश के झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में इनका बर्थ हुआ था दिलीप सिंह भूरिया का भारत सरकार में जो अलग अलग पदों पे रह चुके हैं है ना और राज्य सरकार में भी तो ये आपके दिलीप सिंह भुरिया है तो याद रखिएगा है ना इनका ऐसा एक नारा था ना विधानसभा ना लोकसभा सबसे ऊँची हमारी ग्राम सभा है ना तो ये इन्होंने नारा दिया था दिलीप सिंह भुरिया ने और इसी के साथ इन्होंने पेशा एक्ट के लिए इन्होंने रिकमेंड किया था 1994 के आसपास और 1996 में पेशा एक्ट भारत सरकार ने लेके आ गई थी तो ये इतनी चीज़ें भी यहाँ से याद रखिएगा है ना जैसे आप देख रहे हो 1994 कभी इसका ईयर पूछ दे दिलीप सिंह भुरिया कमेटी तो 1994 में कमेटी आई थी नेक्स्ट यहाँ से चल रहे क्रिस्प वॉज फाउंड इन विच ईयर क्रिस्प कौन से ईयर में फाउंड किया गया था जल्दी बताइए क्लास अभी चलेगी सवा दो तक चलेगी जल्दी बताइए क्रीस्प वास फाउंड इन विच ईयर तो ईयर है 1998, 1997, 1996 और 1995 आंसर बताइए थैंक यू आंसर बताइए क्वेश्चन में मैंने बहुत क्लोज ऑप्शन इसलिए दिए क्योंकि ये हर जगह आपको पढ़ने को मिलेगा क्रिस का फुल फॉर्म बताता हूँ सेंट्रल सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस क्या है इसका फुल फॉर्म सेंटर फॉर रिसर्च एंड इंडस्ट्रियल स्टाफ परफॉर्मेंस वाज फाउंड इन विच ईयर अगर मैं आपको एक और अप, मेरे तरफ से वो दे दू हिंट कि इसका ये भोपाल में सिचुएटेड है और कभी आपका मन हुआ मामा जी से मिलने जाने का तो मामा जी के बंगले के पास बना हुआ है बिल्कुल भोपाल में श्यामला हिल्स पे है ना तो बताइए कहाँ पर है ये तो बहुत सारे आंसर्स आ रहे हैं कमेंट सेक्शन में कोई बोल रहा है बी कोई बोल रहा है ए तो इसका आंसर क्या मान ले इसका आंसर हम लोग मानेंगे बी कि 1997 भोपाल में इसको सेटअप किया गया था इंडो जर्मन एग्रीमेंट के थ्रू बेसिकली जर्मनी की हेल्प भी इसमें ली गई है तो ये भी याद रखिएगा इट हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1997 नाइन्टी सेवन एज अ सोसाइटी अंडर द इंडो जर्मन टेक्निकल कॉरपोरेशन एग्रीमेंट सोसाइटी अंडर इंडो जर्मन टेक्निकल कॉरपोरेशन एग्रीमेंट इंडो जर्मन टेक्निकल कॉपोरेशन एग्रीमेंट ठीक तो रहेगी इतनी बातें तो इस फैक्ट को भी यहाँ से याद रखिएगा और ये आपका कहाँ पर है ये आपका भोपाल में सिचुएटेड है और अगर आपको एग्जैक्ट लोकेशन और चाहिए तो भोपाल में एक जगह है शामला हिल्स तो शामला हिल्स पे ये आपका सिचुएटेड है जैसे आपको पता है कि भोपाल पांच हिल्स पे बसा हुआ है तो बताइएगा कमेंट सेक्शन में बाद में कि कौन कौन से पाँच हिल्स है आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कि वॉट इज़ पंचायत दर्पण पंचायत दर्पण क्या है मिरर गिवन टू पंचायत टू एक्सपोज करप्शन एक आईना दे दिया गया है पंचायती राज को कि करप्शन को एक्सपोज कर दो लार्ज साइज मिरर प्रोवाइडेड बाय द गवर्नमेंट टू ऑल पंचायत है ना फिर वेबसाइट क्रिएटेड बाय द गवर्नमेंट फॉर द मॉनिटरिंग एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान ऑफ पंचायत और नन ऑफ द अब ठीक है सी बोल रहे हैं नन ऑफ द अबाव बोल रहे हैं अभी तक 1997 नाइनटी सेवन पर यादव घूम रही है आगे आ जाओ अगला क्वेश्चन आ गया है बताइए अब इसमें पता बहुत बेसिक सी चीज क्या है आप एक चीज पकड़ सकते हो अगर मैं आराम से यहां से बताऊं कि एम में एक और चीज काम आती है जो सबसे बड़ा ऑप्शन होता है उसके आंसर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं सबसे बड़ा ऑप्शन कौन सा है सी और पढ़ने में भी, भी आपको लग रहा है कि इसका आंसर यही होगा लैंग्वेज समझने की कोशिश करना कि लैंग्वेज किसकी दिख रही है क्या तुमको लगता है पंचायत भवन में बड़े बड़े आईने देखे करेंगे क्या एक तो ये तो सिंपल सा एक क्वेश्चन आ चुका है अभी व्यापम ने भी दिया था और अभी एमपीपीएससी ने भी किसी एग्जाम में दिया है क्वेश्चन ठीक पंचायत दर्पण तो याद रखिएगा एक वेबसाइट है जो मॉनिटरिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के लिए बनाई गई है पंचायती राज के लिए तो ये भी एक फैक्ट यहाँ से याद रखिएगा तो ये भी यहाँ से याद रखना ये इतनी चीजें है <coughs> पंचायत दर्पण आती है ना मैगजीन भी आती है और ये एक प्रकार से उन्होंने एक पोर्टल भी बनाया है ठीक यार याद रहेगा फिर नेक्स्ट चल रहे हैं अगला क्वेश्चन जो है डिजाइन द बिल्डिंग ऑफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की बिल्डिंग किसने बनाई है अनुज बोल रहा है निंजा टेक्निक है यह कि सबसे बड़ा ऑप्शन मार दो है ना आनंद पाटीदार बोल रहे है क्योंकि उसमें फैक्ट ज्यादा होते हैं सही बात है बताइए हु डिजाइन द बिल्डिंग ऑफ द मध्य प्रदेश हाईकोर्ट चार्ल्स कोरिया बोल रहे हैं एक दो लोग मेधान सिंह यादव चार्ल्स कोरिया बोल रही है राजा गोकुलदास भी है हेनरी इरविन भी है क्लास में बैठे लोग हेनरी इरविन बोल रहे हैं है ना बताइए परमांशु गुर्जर ए बोल रहे है सुरभि यादव भी ये बोलने लग गई अब दो मिनट ऑप्शन चेंज कर देती है वो दूसरों का देख के है ना वंशिका वाधवा भी ये बोलने लगी अब तो इसका आंसर क्या है हेनरी इरविन जो है राजा गोकुलदास के समय पे बिल्डिंग बनी थी है ना तो उनके उससे बनी थी और हेनरी इरविन इसके मेन आर्किटेक्ट थे चार्ल्स कोरिया जो है इन्होंने क्या बनवाया है इन्होंने भारत भवन बन के आर्किटेक्ट थे तो ये भी चीज़ यहाँ से याद रखिएगा भारत भवन का इनाग्रेशन हुआ था नाइनटीन में अब जैसे कि यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन ये समझ में आ गया ना कि वो डिज़ाइन द बिल्डिंग ऑफ मध्यप्रदेश हाईकोर्ट कहाँ है मध्यप्रदेश हाईकोर्ट जबलपुर है ना और इसका किसने डिज़ाइन किया हैनरी इरविन ने ठीक नेक्स्ट हु हुज द फर्स्ट ट्राइबल सीएम ऑफ एमपी मध्य प्रदेश के पहले आदिवासी मुख्यमंत्री कौन जल्दी हु हुआ द फर्स्ट ट्राइबल चीफ मिनिस्टर ऑफ मध्य प्रदेश ऑप्शन में जमुना देवी गोविंद नारायण सिंह नरेश चंद्र शाह और शिव भानु सोलंकी मध्य प्रदेश के पहले जनजातीय मुख्यमंत्री या ट्राइबल मिनिस्टर बताइए ए बता रहे हैं आंसर में मेधा गोविंद नारायण सिंह बता रहे हैं बहुत बढ़िया बहुत शानदार जल्दी इधर से भी ले लेते हैं पांच दस सेकंड नहीं आप लोग ए बी बोल रहा बी भी बोल रहा सी भी बोल रहा जल्दी प्रवानशु गुर्जर ए पलक राजौरिया सी कशिश सी रक्षिता मालवी सी लोन वॉरियर सी आयुषी दुबे सी लवी बुंदेला सी कशिश सी ऋतिक तिवारी सी रोहित मीना सी मेधावी यादव सी अनुज नरेश चंद्र शाह है ना तो फिर नरेश चंद्र शाह जब है तो गोविंद नारायण सिंह तो भैया हो ही नहीं सकते अवधेश प्रताप सिंह का नाम मिला सुना है कभी सतना उनके बेटे हैं ये है ना कहाँ इनको आप वहाँ ले जा रहे हो तो दोनों चीज़ अलग अलग है ये अलग कम्युनिटी ये अलग कम्युनिटी ये अलग कम्युनिटी ये, ये अब यहाँ से आप देखोग मैंने कंफ्यूज करने के लिए आपको दिया था जमुना देवी भी ट्राइबल नरेश चंद्र शाह भी ट्राइबल शिव भानु सोलंकी भी ट्राइबल ये तीनों कौन रहे हैं ये डिप्टी सी रहे हैं कौन रहे डिप्टी सी एम रहे है. और नरेश चंद्र शाह बेसिकली इनके नाम के आगे अगर मैं राजा लगा देता तो सब पकड़ लेते मैंने इसलिए राजा हटा दिया इनके नाम के आगे क्योंकि आप लोग ऊपर ऊपर का पढ़ते हो राजा नरेश चंद्र शाह पढ़ते हो है ना तो तुक्का मार खिलाड़ी यहाँ निपड़ जाएंगे इसलिए पूरा पढ़ लेना तो राजा नरेश चंद्र शाह बेसिकली छत्तीसगढ़ से आते थे और ये अठारह दिनों के लिए मात्र इनकी सरकार रही थी फिर इनकी सरकार गिरा दी गई थी तो ये भी याद रखिएगा मध्य प्रदेश के पहले और आप बोल सकते हो एकमात्र आदिवासी मुख्यमंत्री राजा नरेश चंद्र शाह फिर नेक्स्ट आगे आ रहे हैं तेरह दिन के लिए बोल रहे हैं ठीक फिर सुंदरलाल पटवा बॉर्न इन विस डिस्ट्रिक्ट सुंदरलाल पटवा का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ सुंदरलाल पटवा वही व्यक्ति है जिनके समय पे मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल लगा था लगा था नहीं लगा था तो बताइए सुंदरलाल पटवा का जन्म कौन से जिले में हुआ था लोन वॉरियर तो बोल रहा है कि 11 नवंबर 1924 नीमच मोहल्ले का नाम भी लिख दो लोन वॉरियर है ना ठीक फिर सुनील प्रजापति बीजेपी के नेता है बता रहे थे सुनील प्रजापति बोल रहे हैं गोविंद नारायण सिंह कहाँ गया है ना जल्दी नागर ए बोल रहा है प्रियंका यादव ए हेमंत पाठक नीमच मैक्सिमम लोग इसका आंसर नीमच दे रहे हैं तो बिल्कुल मध्य प्रदेश का एक जिला है नीमच वहां पे इनका जन्म हुआ था किसका सुंदरलाल पटवा जी का तो ये भी चीज़ याद रखिएगा इनके समय पर मध्य प्रदेश में प्रेसिडेंट रूल भी लगा हुआ है ठीक नेक्स्ट आगे चलते हैं यहाँ से तो एक और हमारे पास आ गया वाल्मी इज सिचुएटेड एट वाल्मी इज सिचुएटेड एट कहाँ पर है वाल्मी और वाल्मी क्या है रोहित मीना ऋतिक तिवारी नीमच बोल रहे हैं नीमच का फुल फॉर्म कौन बताएगा कमेंट सेक्शन में चलो नीमच का फुल फॉर्म बता दो अभी तक नीमच पे अटके हो तो नीमच का फुल फॉर्म क्या है नॉर्थ इंडियन मिलिट्री एंड कैवलरी हेडक्वार्टर ये नीमच का फुल फॉर्म थे है ना तो याद रखिएगा नीमच का फुल फॉर्म क्या है नॉर्थ इंडियन मिलिट्री एंड कैवेलरी हेडक्वार्टर और ये बताइए वाल्मी कहां है तो वाल्मी जल्दी बताइए वंशिका वादव बी परवंशु गुर्जर बी सोमू यादव रतलाम पे घूम रही है अभी तक रक्षिता मालवी भी, भी पलक राजौरिया भी यादव जी नहीं पता सर वेरी गुड ये जो ऑप्शन था ना जो इन्हने बोला नहीं पता डायरेक्ट डिप्टी कलेक्टर गवर्नर की तरफ से है ना है ना मेधावी यादव ओके okay, मृणालिनी रघुवंशी मेधावी यादव ओके ऑप्शन दे रही है है ना आई एस ठीक तो अब जैसे यहाँ से बात कर रहे हैं वाल्मी इज सिचुएटेड तो वाल्मी कहां पर है वाल्मी बेसिकली भोपाल में है वाल्मी का फुल फॉर्म सुन लो वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट क्या पी एस सी की तैयारी तो कर रहे हैं लेकिन थोड़ी बहुत जानकारी इनिशियल लेवल पे आपको रखनी चाहिए कि अगर आप सी एम ओ बनोगे और अगर आप सी ओ जनपद बनोगे तो आपको इसी वाल्मी में ट्रेनिंग के लिए भेजा जाएगा वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट के जो रिसोर्सेज है उसको सीखने के लिए उसको कंट्रोल कैसे किया जाता है तो ये भी याद रखिएगा कि वाल्मी आपका कहाँ पर है वाल्मी आपका भोपाल में जिसका फुल फॉर्म क्या है वाटर एंड लैंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भोपाल ठीक याद रहेगी इतनी बातें किसकी ट्रेनिंग होती है सीओ जनपद सीएमओ इसके अलावा सीओ जनपद को जबलपुर भी भेजा जाता है महात्मा गांधी राजकीय रूरल ट्रेनिंग सेंटर ये जबलपुर में भी जाता है ये महात्मा गांधी ट्रेनिंग सेंटर में चलिए नेक्स्ट चलते हैं मोहम्मद हिदायतुल्ला वाज बॉर्न इन व्हिच डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश मोहम्मद हिदायतुल्लाह का जन्म कौन से जिले में हुआ था चलो तुमको मेरे तरफ से ऑप्शन देता हूं टू प्रमोट एडवांसमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी लोन वारियर बोल रहा है सीएम एम बारगी बोल रहा है भोपाल ऑल सर फैन क्लब मेधावी यादव का नाम मुली में बोल दो प्लीज प्लीज क्या बोल रहा है क्या कमेंट कहाँ निपटा दिया है इन्होंने है ना चलिए तो मे, बोल रहा है कि मेधावी यादव का नाम बोल दो ठीक है मेधावी यादव <laughs> बोल दिया चलिए तो अब बताइए मोहम्मद हिदायतुल्लाह बेसिकली आप सुनिएगा कि जो सर एक बार मेधावी यादव से बोल दो ये चुप हो जाएगी ठीक है ना ठीक बात करते है ना तो अब जैसे यहां से देख रहा है अब मैं आपको चलो मेरे तरफ से हिंट दे दू कुछ कुछ मोहम्मद हिदायतुल्ला मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस थे क्या थे पहले चीफ जस्टिस और अगर मैं आपको कहूं कि मोहम्मद हिदायतुल्ला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस भी रहे हैं है ना इसके अलावा मैं बोल दूं कि मोहम्मद हिदायतुल्ला भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे तो कितने बड़े आदमी हैं है या नहीं है और जैसे ही कमेंट सेक्शन में सब लोग बोल रहे हैं बैतूल तो बिल्कुल मोहम्मद हिदायतुल्ला का जन्म मध्य प्रदेश के कौन से ज़िले में हुआ है बैतूल और बैतूल ज़िले का पुराना नाम क्या था बदनूर तो ये भी याद रखिएगा कि बैतूल सिटी का पुराना नाम क्या था इसको बदनूर के नाम से भी कहते थे बैतूल पे पहले गोंडवाना डायनेस्टी का ही रूल हुआ करता था यहाँ पर एक किला पड़ता है बैतूल के आसपास खंडाला का किला या खांडरा का किला है ना वहां पर ही पहले रूल किया करते थे ठीक नहीं नहीं खेड़ला का किला ठीक तो बैतूल में आपको एक फोर्ट भी पड़ेगा कौन सा फोर्ट खेड़ला फोर्ट इसी बैतूल जिले में आपको एक और चीज क्या मिलेगी बैतूल सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में ग्रेफाइट का प्रोडक्शन करता है तो एक और फैक्ट यहां से ये याद रहेगी और इसी बैतूल जिले से कौन सी नदी निकलती है ताप्ती रिवर निकलती है और इसी बैतूल जिले के बारे में एक और चार याद रखिएगा कि मध्य प्रदेश के जो टॉप फाइव जिले हैं जहाँ सबसे ज्यादा फॉरेस्ट कवर है वो भी आपके बैतूल डिस्ट्रिक्ट पड़ता है ताप्ती नदी के ऊपर जो पारसडो डैम बना हुआ है वो भी बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है बालाजीपुरम टेम्पल भी बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है है ना तवा नदी के ऊपर जो सतपुड़ा डैम बना हुआ है वो भी बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा थर्मल पावर प्लांट जो नाइनटीन में उस टाइम बना था या पहला मेगा थर्मल पावर प्लांट जिसका नाम है सतपुड़ा थर्मल पावर प्लांट वो भी बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है भूतों का मेला बता रहे तो भूतों का मेला भी बैतूल डिस्ट्रिक्ट में है है ना बैतूल डिस्ट्रिक्ट के मलाजपुर में लगता है तो ये इतने फैक्ट्स आपको बैतूल डिस्ट्रिक्ट देखे जाता है वीडियो एक बार फिर देख लेना सब याद हो जाएंगे ठीक तो फर्स्ट चीफ मोहम्मद हदायतुल्ला के बारे में सुन लो भारत मध्य प्रदेश के पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस भारत के वाइस प्रेसिडेंट भी रहे इनका जन्म मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट में हुआ है नेक्स्ट आगे चल रहे तो अगला क्वेश्चन यहां से निकल के आया ईश्वरदास रोहानी ईश्वरदास रोहानी जो मध्य प्रदेश के स्पीकर और मध्य प्रदेश के डिप्टी स्पीकर दोनों रहे हैं विधान विधायक भी रहे हैं है ना तो ये जो ईश्वरदास रोहानी जी है ये मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर डिप्टी स्पीकर दोनों रहे हैं ये कहाँ से यादव जी सर आपका शहर बैतूल आप बैतूल क्या बोल रहे हैं यार आप बैतूल हैं अरे आगे क्वेश्चन पे आ जाओ यार कौन कहाँ रहता है तुमको क्या करना है उससे है ना जल्दी ईश्वरदास रोहानी वॉज बॉर्न एट विच प्लेस शिवम बागरी बोल रहा है कराची मेधावी यादव ओके okay बोल देते हैं कौन सा पता नहीं ओके ऑप्शन कहाँ है या? है ना विश्वासी यादव जी बता रही है ए कराची लोन वॉरियर्स लोन वॉरियर बोल रहे है कि रोहाणी जी ने भारतीय जनसंघ ज्वाइन किया था उन्नीस में वाह यार लोन वॉरियर है ना मेधावी यादव लोन वॉरियर मेरे को लग रहा है कि इसको बहुत ज़्यादा ज्ञान की प्राप्ति हो गई है या ये गूगल खोल के बैठा है है ना मेधावी यादव बी डेप्टी स्पीकर 1998 से 2003, शीतल यादव बी सोमू यादव लाहौर है ना? मेधावी यादव बी आनंद पाटीदार कराची कराची लाहौर इस्लामाबाद तारा सिंह है ना बताओ तो अब जैसे इसका आंसर क्या आ गया कराची में जन्म हुआ था पाकिस्तान में इनका जन्म हुआ था बाद में फिर मध्य प्रदेश आके सेटल हो गए मध्य प्रदेश का जो जबलपुर शहर का नाम आपने सुना होगा जिसका पुराना नाम क्या है जबलपुर का जबालीपुरम ऋषि जबाली के नाम पे इसको जबलपुर इसका नाम पड़ा था याद रखिएगा तो कराची में इनका जन्म हुआ था किसका आपका ईश्वरदास रोहानी का कितने क्वेश्चन हो गए आज के अपने बहुत सारे हो गए मेरे ख्याल से है ना हु वॉज द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश की पहली वुमेन चीफ सेक्रेटरी कौन है जल्दी बताइए वो ऑज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश है ना बताइए क्लास कैसी लग रही है आप लोगों को बढ़िया तो लाइक कर दो वीडियो को थोड़ा लाइक वाइक आते रहते हैं तो हम लोग का भी कॉन्फिडेंस बढ़ता है कि अपन बढ़िया बढ़ा रहे हैं है ना वो ऑज़ द फर्स्ट वुमेन चीफ सेक्रेटरी ऑफ मध्य प्रदेश उर्मिला सिंह निर्मला बूच शीतला सहाय और सरोजनी सक्सेना जल्दी निर्मला बूच आंसर दे रहे हैं यहाँ पर सोमू यादव बोल रहा है चुप हो, चुप हो जाओ सब चुप हो जाओ सब चलो जल्दी आंसर दो है ना जल्दी बताओ कोई कुछ नहीं बोलेगा सिर्फ आंसर देंगे बी 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 निर्मला बूच निर्मला बूच यादव जी बी रक्षिता मालवी बी है ना कशिश सिंह निर्मला बूच बिल्कुल सही आंसर है निर्मला बूच मध्य प्रदेश की जो पहली आपकी और आप ये एक और चीज़ देखना मध्य प्रदेश की एकमात्र चीफ सेक्रेटरी भी यही रही है मध्य मध्यप्रदेश शासन में यह भी एक फैक्ट याद रखिएगा आई ऑफिसर तो आप बोलोगी बोलोगे मध्य प्रदेश सरकार में एकमात्र चीफ सेक्रेटरी भी कौन रही है आपकी निर्मला बूज जी रही है और निर्मला बूज का जन्म कहाँ हुआ था उत्तर प्रदेश में हुआ था फिर इन्होंने आई की एग्जाम क्लियर की नाइनटीन में और जब नाइनटीन में इनका आई क्लियर हो गया था इनको मध्य मध्यप्रदेश कार्डर मिला और मध्य मध्यप्रदेश कार्डर में जब यहां आ गई तो इन्होंने यहीं पर शादी कर ली और फिर यहीं पर सेटल हो जाती है और आप देखोगे कि नाइनटी सेवन की एज में अभी इसी साल इनकी डेथ हो गई है निर्मला बूच जी की है ना तो रहेगी तो इस साल का करंट अफेयर है मान लो एमपीपीएससी लिए गैसिंग मान के चल लो आप इसको निर्मला बूच जी को ठीक यूपी में बर्थ हुआ था इनका नेक्स्ट चल रहा है विच फॉर्मर चीफ मिनिस्टर रिटन फेमस बुक नेम्ड जिसको हम लोग इंडिया सेंचुरी के नाम से भी कहते हैं है बताइए विच फॉर्मर मध्य प्रदेश के कौन से पूर्व मुख्यमंत्री है जिन्होंने किताब लिखी है भारत शताब्दी ऑप्शन में है दिग्विजय सिंह बाबूलाल गौर मोतीलाल वोरा और कमलनाथ है ना सब डिग्नेटरीज है तो जी तो लगना चाहिए नाम के आगे चलिए बताइए दिग्विजय सिंह बोल रहे हैं ये भाई तो जो दिए जा रहा है तुक्का <laughs> है ना समीक्षा साहू कमलनाथ जी है ना कमलनाथ जी है ना बताइए तो बताइए तो मृणालिनी जी दी मोतीलाल बोल रहा मोतीलाल लकी तोमर बोले मोतीलाल जी मिधांशु यादव बोल रही है कमलनाथ जी यादव जी बोल रहे हैं कमलनाथ जी ठीक है तो इसका आंसर जाएगा बेसिकली कमलनाथ जी जो मध्य प्रदेश के कहाँ से विधायक विधायक है के अभी छिंदवाड़ा से और मध्य प्रदेश के अठारहवें नंबर के सीएम हैं याद रखिएगा एटीन थी एम ऑफ एमपी थे ये लिस्ट वाइज अगर आप देखोगे 2020 में इस्तीफा दे दिया है ना मेजोरिटी जाने की वजह से तो ये भी याद रखिएगा फिर एक नेक्स्ट जा रहे हैं पर एमपी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन ईयर सिर्फ पांच सेकंड दूंगा क्योंकि क्लास बहुत ऊपर जा चुकी है समय बहुत ज्यादा हो गया एमपी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन कौन से बना था जल्दी बताइए एमपी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन सेटअप इन विच ईयर एमपी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन एमपी में जो जो प्रोड्यूस प्रोडक्शन होता है चाहे वो आपके माइनर प्रोड्यूसर्स हो या मेजर उनको एक्सपोर्ट करने के लिए एमपी एक्सपोर्ट कॉरपोरेशन को इंदौर में इंदौर हेडक्वार्टर के साथ सेटअप किया गया था कब एक और इन्फॉर्मेशन मैंने बता दी इसका हेडक्वार्टर कहाँ है इसका हेडक्वार्टर आपका सिचुएटेड है इंदौर में और ये आपका आ गया 1977 फिर आपका आ गया तो इसका ईयर क्या आएगा 1977 नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते ले हैं हेडक्वार्टर ऑफ मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश फाइनेंस कॉर्पोरेशन का हेडक्वार्टर कहां पर है जल्दी पांच सेकंड बस एक दो तीन चार पांच इंदौर है ना 1955 में बना था याद रखिएगा 1955 मध्य प्रदेश आपका फाइनेंस कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश वित्त विकास निगम इंदौर ठीक इंदौर में आप देखोगे तो आपको इसका हेडक्वार्टर गीता भवन के आसपास दिख भी जाएगा है ना तो याद रखिएगा इंदौर में 1955 में बना नेक्स्ट क्वेश्चन हु वाज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश से सबसे लंबे समय तक कौन चीफ जस्टिस रहा है हु वॉज द लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस ऑफ मध्य प्रदेश बहुत जल्दी जल्दी कमेंट आ रहा है देखो ये होती है, स्पीड जल्दी बताओ पहले कर देते तो क्लास जल्दी खत्म हो जाती है ना जल्दी बताओ कम नाम तो नहीं ले पाऊंगा अब ज़्यादा पीवी दीक्षित ए के माथुर के के लाहौटी जस्टिस आरसी सी लाहौटी पाँच सेकेंड एक दो तीन चार पाँच पीवी दीक्षित चलो आगे चलते तो लॉन्गेस्ट सर्विंग चीफ जस्टिस कौन पीवी दीक्षित आगे चलते काशी प्रसाद पांडे कमिटी एसोसिएटेड विद एक कमिटी बनी थी काशी प्रसाद पांडे कमिटी जिसमें 1957 में इस कमेटी को बनाया गया था इसमें पंद्रह मेंबर थे तीन नंबर का आंसर ही बन रहा है मेंस के लिए कि काशी प्रसाद पांडे कमिटी कॉन्स्टिट्यूटेड इन द ईयर 1957 हैविंग 15 मेंबर्स हेडेड बाय काशी प्रसाद पांडे जी एंड दिस कमिटी एसोसिएटेड विथ एक दो तीन चार पांच आंसर हो गया इसका पंचायती राज इसने बोला था थ्री टायर पंचायती राज जो सिस्टम जो इसमें चलेगा बिल्कुल बढ़िया आंसर दे रहे कई लोग तो पेशा एक्ट दिए जा रहे दे बत्ती घुमा घुमा के है ना इसलिए पेशा एक्ट ऑप्शन दिया था क्योंकि तुमको पंचायती राज दिखेगा और अभी पढ़ाया भूरिया कमिटी है ना अभी पढ़ाया अभी पढ़ाया क्या भूरिया कमेटी तो भूरिया कमेटी है पेशा एक्ट से ये काशी प्रसाद पांडे कमेटी पंचायती राज से रिलेटेड है याद रखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मध्य प्रदेश मध्य प्रदेश में कितने कॉर्पोरेशन है जल्दी बताइए बस जल्दी, जल्दी जल्दी एक दो तीन चार पांच जल्दी इसका आंसर है सोलह दो प्रपोज है भिंड बनने वाला आगे जाके तो मध्य प्रदेश में कितने हो गई मध्य प्रदेश में सोलह म्यूनिशिपल कॉर्पोरेशन है ठीक याद है क्या फिर वेन वॉज द जनरल बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी ऑफिसर एक आपने सुना होगा सपाक्स बड़ा एक्टिव थे पिछले विधानसभा चुनाव में भी आपने देखा था एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन बनी है सपाक्स करके तो ये जो सपाक्स है इसके बारे में बताइए कि सपाक्स कब बना था जनरल बैकवर्ड एंड माइनॉरिटी ऑफिसर्स इंप्लॉयज एसोसिएशन सपाक्स जो इंप्लॉयज के अधिकारों के लिए बात करती है तो सपाक्स को इस्टेब्लिश किया गया था नाइनटीन टू थाउजेंड सिक्सटीन में बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आ सकता है याद रखिएगा जिन लोगों के इंटरव्यू है दो हजार उन्नीस के उनके भी काम का है ये पूछ सकता है कि सपाक्स कब बना सपाक्स दो हजार सोलह में बना नेक्स्ट बस खत्म कर रहे बस दो मिनट वेन डिट द तो मध्य प्रदेश पंचायती राज सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट रूल्स कब आए तो ये रूल्स कब आए थे कि मध्यप्रदेश के पंचायत सेक्रेटरी रिक्रूटमेंट रूल्स आए थे 2011 में बस ये वाला फैक्ट्री सुन लीजिए नीमच ओपीएम फैक्ट्री कब आपकी चालू हुई थी तो 1935 में आपकी नीमच ओपीएम फैक्ट्री स्टार्ट हुई थी और फिर ये बहुत सारे क्वेश्चंस अभी अपने अरे तीन क्वेश्चन रहेगा बस है ना बस आंसर बता दे रहा हूं आप देखते रहना मध्य प्रदेश इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन एक्ट 2008 फिर एक और सुन लीजिए वॉज अ चीफ मिनिस्टर मध्य मध्यप्रदेश ऑन फर्स्ट और नंबर दो हज़ार जब मध्यप्रदेश से छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तब एम के सीएम कौन थे तो सभी को पता है आदरणीय दिग्विजय सिंह जी जो थे वो मध्यप्रदेश के सीएम थे विथ सीएम एम ऑफ मध्यप्रदेश ऑल्सो सर्व एज गवर्नर ऑफ बिहार मध्यप्रदेश का कौन सा मुख्यमंत्री था जो बिहार का राज्यपाल भी रहा है गोविंद नारायण सिंह जिनके पिताजी हमने अभी देखे थे अवधेश प्रताप सिंह गोविंद नारायण सिंह जिनका जन्म कहाँ हुआ था मध्यप्रदेश के सतना डिस्ट्रिक्ट में हुआ था और इसी के साथ चलते हैं मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में थैंक यू Okay.